1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। राजस्थान मदरसा शिक्षक संघ ने आज नियमितीकरण को लेकर फिर किया प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की भी रखी है मांग। राजस्थान मदरसा शिक्षक संघ के बैनर तले अजमेर जिले में कार्यरत मदरसा पैरा टीचर ने नियमितीकरण और मानदेय में वृद्धि को लेकर आज फिर प्रदर्शन किया और कलेक्टर पर धरना देकर अपना रोष इजहार किया। इस मौके पर मदरसा पैरा टीचर ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बड़ी संख्या में पैरा टीचर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। उनका कहना था कि सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में मदरसा पैरा टीचर को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ और वह चाहते हैं कि राज्य में कार्यरत सभी मदरसा पैरा टीचर को नियमित किया जाए। लगातार ऐसे ही बैठे हैं और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा कि आपकी बात जल्दी है ना सीएम साहब से, मतलब ज्ञापन दे दिया जाएगा और आपकी बात करवा दी जाएगी। अभी तक बस हमको परमानेंट करने के लिए, और पहले भी गवर्नमेंट ने पहले भी परमानेंट किया था, इसी भरोसे से हम लगातार यही बैठे हुए आशा कर रहे हैं कि हम कभी ना कभी तो परमानेंट होंगे। हमारे को काफ़ी साल हो गए, बहुत दिक्कतें आ रही है, 7202 रुपये में बताओ क्या क्या होता है। चुनाव में क्या वादे कर रहे थे आप? हाँ, चुनावी घोषणा में वादा किया गया था, सेकेंड नंबर पर यही लैंग्वेज थी कि जो भी स्थायी, मतलब जो संविदा कर्मी है उनको नियमित किया जाएगा। अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ है। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लगभग 2012 से है लगभग, और बहुत से हमारे से भी पहले 2003 से पैरा लगे हुए हैं। मेरा नाम रेणु नाम है। आप लोग यहाँ बैठे हो क्या मांग? जी, हम 22 तारीख से यहाँ बैठे हैं और हम हड़ताल के 4 दिन हो गए हमें, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मगर फिर भी अभी तक सरकार ये कानून में जून तक नहीं रहेंगी है। और हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय जो 7202 है उसको बढ़ा के 25,000 किया जाए। ये चाहिए। दिक्कतें बहुत आ रही है, आज भी छलक पड़े हैं पैरा टीचरों के, मतलब ये देख लीजिए कि आप हड़ताल पे हम 4 दिन हो चुके हैं हमें, और हम सारे यहाँ सड़कों पे उतरे हुए हैं 4 दिन से, और बारिश में गर्मी में हर तरह से हम यहाँ पर हैं, सब परेशानियाँ झेल रहे हैं। लेकिन हमारा जो बजट में हमारे को उम्मीद थी सरकार से, सचिन साहब ने हमसे वादा किया था कि हम आपको घोषणा पत्र में वादा किया था नियमितीकरण का, नियमितीकरण तो दूर की बात, हमारा मानदेय भी बढ़ाया नहीं गया, तो हम लोग अब हमारे बच्चों को पढ़ाएं या खिलाएं, मतलब हम क्या करें, हम इतने परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने बताया 22 तारीख से आप लोग यहाँ बैठे हैं, जी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और अब हमारे सबर के मतलब सबर टूट चुका है, हम सर तक ही सर से ऊपर तक आ चुके हैं, इतना परेशान है हम लोग कि 7202 रुपए में हम लोग क्या खाएंगे, क्या पियेंगे और क्या हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे खिलाएंगे। इस तरह से हम बहुत परेशान होके सड़कों पे उतरे हैं और 10-10 साल से 15-15 साल से, मतलब घोषणा पत्र में जो वादे हुए हैं वो वादे पूरे नहीं किए गए थे। वार्ड 25 के लोगों ने क्षेत्र में सड़क और नालियों के निर्माण को लेकर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र में बारिश के पानी की वजह से निकलने में भी आती है परेशानी। आज नगर निगम में वार्ड 25 के क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांग करी कि उनके क्षेत्र में सुंदर नगर में कच्ची नालियां और सड़कें होने की वजह से पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों से भी निकलने में परेशानी आती है। इसी मांग को लेकर आज आयुक्त को ज्ञापन सौंपा कि क्षेत्र की सड़कें और नालियों का निर्माण किया जाए। आज हम नगर निगम में आयुक्त मैडम को ज्ञापन देना है, जो कि आयुक्त मैडम नगर निगम से अजमेर के अंदर जो कि कच्ची बस्तियां हैं, पिछड़ी हुई बस्तियां हैं, उनमें इतना बढ़िया काम करा रही है मैडम कि कोई हद नहीं। सारे वार्डवासी मैडम की जब से अखबार में न्यूज पढ़ते हैं और उनके लिए न्यूज में देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो इन सब ने एक ही बात बोली कि हमारा जब से हम 4 से 5 साल 10 साल से हमारे वार्ड के अंदर कच्ची नालियाँ, बरसात का पानी भर जाता है, जानवर आते हैं, बीमारियां फैलती है। इन सारे वार्डवासी मैडम से खुद स्वयं मिलने और मैडम को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी सीसी रोड और नाली बना दी जाए, क्योंकि बरसात के अंदर इस प्रकार पानी भर जाता है कि बच्चों को गोद में उठा के लेके जाते हैं माँ बाप,
उनके, और बुजुर्ग तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, मतलब 4 महीने तक, मतलब बुजुर्ग और बच्चों तो इतने परेशान, स्कूल जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए वार्डवासी सारे के सारे मैडम से गुहार लगाना है कि इनकी सीसी रोड बनाई जाए और नाली बनाई जाए। वार्ड नंबर 25 से आए और हमने करीबन ये 3-4 सालों से रेगुलर दे रहे हैं इस समस्या को, और कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मतलब आदमी देखेंगे तो बहुत छोटी सी है, लेकिन कच्ची बस्ती होने के कारण कभी आज तक उस साइड में विकास हुआ ही नहीं। अब मैडम से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे वार्ड में ये काम हो। कौन सी जगह है? सुंदर नगर है, ब्यावर रोड के पास के अंदर सुंदर नगर है, जो कि बरसात आती है ब्यावर रोड के ऊपर तो सारा नाला बहता हुआ उसी कच्ची बस्ती में आता है, घरों में पानी घुस जाता है। रईस अहमद पार्षद, नगर निगम। गाड़ी बेचने के नाम पर झालावाड़ के फौजी ने अजमेर की युवक की ठगी 1,14,000 रुपए। वार्ड 35 का निवासी मनीष कुमार आज अलवरगढ़ थाने में उसके साथ हुई ठगी को लेकर एक मामला दर्ज करवाने पहुंचा। मनीष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे फेसबुक पर एक गाड़ी पसंद आई थी जिसका नाम अल्टो 800 2015 का मॉडल था। उसको लेकर जब मनीष ने गाड़ी के मालिक की डिटेल निकाली और उससे जब बात की तो गाड़ी 95,000 में फाइनल हुई, जिसके बाद गाड़ी मालिक ने मनीष को 5,000 बुकिंग के अकाउंट में डालने की बात कही। मनीष ने वैसा ही किया और उसके बाद ठग मनीष को गुमराह करता रहा और टुकड़ों में कभी 21,000 तो कभी 25,000 डलवा रहा था। ऐसे करके मनीष ने ठग रमेश के खाते में 1,14,800 रुपए ट्रांसफर कर दिए। मनीष को जब पता चला कि उसके साथ ठगी हो रही है तो मनीष ने आज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मनीष का कहना है कि रमेश झालावाड़ का फौजी है, मामला थाने में दर्ज करवाया गया है जहाँ से पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। भैया हमेशा ऐसे हुआ कि मैंने फेसबुक पर गाड़ी देखी, उधर से गाड़ी की डिटेल निकाली, मैंने उसके नंबर निकाले, व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद मैंने उस पर कॉल करा, कॉल करने के बाद उससे बातचीत हुई तो गाड़ी पसंद आई, तो उसने बोला गाड़ी पसंद आई आपको, बोला ठीक है तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दो, तो मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया। उसके बाद उसने बोला कि 5,000 रुपये गाड़ी बुक करा दो आपको, फिर मैं बाकी पेमेंट बाद में कर देना, ठीक है। मैं 5,000 रुपये उसको दे दिए, फिर 15,000 रुपये उसने बोला कि गाड़ी रवाना कर दूंगा मैं यहाँ से दिल्ली से एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट बताया उसकी ड्यूटी है, उधर रवाना कर दूंगा, उसके बाद मैंने 15,000 रुपये डलवा दिए, तो उसने दिल्ली की फ़ोटो मेरे पर भेज दी। उसके बाद उसने बोला गाड़ी आपके पास रिसीव हो जाए, उसके बाद आप पेमेंट कर देना और मुझे कॉल मत करना, मैं ड्यूटी पर रहूँगा इसलिए। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने उसको कॉल करा तो बोला ड्राइवर कह रहे वैसा करना, ड्राइवर का कॉल आया मेरे पास आधे घंटे बाद, बोला मैं जयपुर पहुँच गया हूँ और मेरे को 21,500 रुपये मुझे जमा कराओ, ठीक है मैंने करा दिए, तो ई मित्र वाले से कराया मैंने, और उसके बाद उसने टुकड़ों में भेजा पैसा, तो वापस कॉल आया बोला आपने टुकड़ों में भेजा है पैसा, इकट्ठा भेजा 2 बार करके, जब मुझे ईमेल मिलेगा। मैंने ईमेल के लिए वापस 21,500 रुपये वापस रिटर्न कराए, फिर उसके बाद किशनगढ़ आई गाड़ी, उसके बाद बोले कि 25,900 रुपये कराओ, तो मैं 25,900 रुपये करा दिए। उसके बाद बोला ये पेटीएम में चल गए, फिर पेटीएम में चल गए तो वापस कराओ रिटर्न, तो फिर मैंने 25,900 रुपये वापस रिटर्न कराए। टोटल कितने पैसे डलवाए आप? 1,14,800 रुपये डलवाए मैंने। कितने की डील हुई थी आपकी गाड़ी की? 95,000 की डील हुई थी। अल्टो 800 था, 2015 का मॉडल। कौन किसके आता, कौन कार में काम करते हैं? फौजी था वो, CRPS का बंदा बता रहा वो। क्या नाम है उसका? रमेश नाम है उसका। कहाँ से आया था फोन? फोन दिल्ली से आया था और झालावाड़ का, उसकी आरसी भेजी थी। हाँ मुकदमा दर्ज करा है अलवरगढ़ थाने में। आपका नाम? मनीष कुमार। जब क्या हुआ था? ये मेरे वार्ड में रहता है, मनीष नाम का व्यक्ति है, मैसन का काम करता है। इसने फेसबुक पर एक गाड़ी देखी अल्टो 800, इसको पसंद आई, इसने फेसबुक पर उससे संपर्क किया, एक कोई फौजी था झालावाड़ का, उसके नंबर प्राप्त हुए, उससे सौदा हुआ गाड़ी का 95,000 का। इसने समय समय पर 5,000, 25,900, 15,000 रुपये ऐसे करके उसको 1,14,800 रुपये कैश दे दिए, मतलब कि उसके अकाउंट में डाल दिए। 95,000 रुपये तो 1,08,000 इतना क्यों अमाउंट दिया? इसको फर्जी तरीके से, अनपढ़ आदमी है, सीधा साधा आदमी है, लेबर क्लास का आदमी है, अब उसको गुमराह करता रहा ये कि भाई अब इतने डाल दे, गाड़ी जयपुर आ रही है, इधर आ रही है, उधर आ रही है, ये डालता रहा। मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने मनीष जी ने? इन्होंने क्या है, कल अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ, और देखो उसकी कार्रवाई होगी जैसे भी है। आपका नाम? शराब के नशे में धुत पति ने चाकू मार कर की पत्नी की हत्या, बीच बचाव करने आए मां बाप पर भी किया वार, सदर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। सदर थाना अंतर्गत डड़िया ग्राम पंचायत के नाड़ी ग्राम में बीती देर रात को शराब के नशे में धुत पति ने तैश में आकर अपनी पत्नी पर चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार निकटवर्ती डड़िया ग्राम पंचायत के नाड़ी ग्राम निवासी बसरू पुत्र नजरू मेहरात बीती देर रात को शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आया।
घर आते ही अपने माता पिता व पत्नी से झगड़ने लगा। इसी दौरान तैश में आकर घर में पड़े चाकू से अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। चाकू के वार से लहूलुहान अवस्था में गंभीर घायल पत्नी मदीना ने मौके पर ही तड़फते हुए दम तोड़ दिया। पत्नी पर चाकू से वार करते वक्त बीच बचाव करने आए अपने माता पिता पर भी चाकू से वार करने लगा। तभी हत्यारे के माता व पिता अपनी जान बचाते हुए बाहर भाग गए। हत्यारे पुत्र बसरू के पिता ने गांव वालों को अपने पुत्र द्वारा पत्नी मदीना की चाकू से मार हत्या के बारे में बताया। तभी गांव वालों ने शराबी बसरू को पकड़ा व पेड़ से बांधकर सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, सदर थाना अधिकारी शमशेर खान पुलिस टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने तैयारे बसरू को गिरफ्तार किया व मृतक मदीना को राज के अमृतकर अस्पताल मोर्चरी में भर्ती करवाया। मृतका का गुरुवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतका मदीना के बियर पक्ष के अनुसार बसरू शराब पीकर अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटता था। पुलिस ने तैयारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 8:30 बजे के बीच में मदीना नाम की महिला थी, उसका अपने पति बशीर से झगड़ा हुआ। बशीर जो है वो दारू पीने का, शराब पीने का आदी था और इसी नशे की हालत में झगड़ा पड़ने पर उसने अपनी पत्नी को वहीं घर में पड़े एक चौकी से सीने में वार कर दिया, जिसका उसका संभवतः हार्ट या दूसरा कोई ऑर्गन उसका पंक्चर हुआ, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई और उसकी हत्या कारी कर दी पति ने। और मूल रूप से जो अभी तक बात सामने आई है वो यही आई है कि इनका पारिवारिक झगड़ा चल रहा था, कोई घर के अंदर की बात को लेकर, और आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया है और प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश अनुसंधान जारी। सर बताया जा रहा है जैसा कि जो आरोपी था वो नशे के अंदर धुत था, काफ़ी शराब वहाँ जो प्रथम दृष्टया में लोगों ने बताया वो बताया कि शराब पीने का आदि था और अब क्या कार्रवाई उसके हत्या के मामले में जिस तरह से पीयर पक्ष के लोगों का क्या कहना है? पीएफ पक्ष की तरफ से इन्होंने एफआईआर दी है और जो भी जायज अनुसंधान है जो लीगल कार्रवाई है वो कर रहे हैं। चाकुओं से जिस तरह से गोला गया या जिस तरह से जो घटना की गई, आखिर में बड़ी दर्दनाक थी, क्या मामला था और क्या रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी, उनके दारू वाले कोई रंजिश नहीं थी, आराम से कमा रहे खा रहे। इसको हो गया पूरे 2 साल सऊदी से आए हुए जब से दारू। तो आप लोगों ने कभी उसको समझाने की कोशिश की? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, आगे बस पी के अपना हो जाता शाम को वापस। अच्छा, जिस समय ये घटना घटी थी उस समय आप लोग कहाँ थे? मैं मेरे रूम पे था। तो क्या उसकी जानकारी नहीं मिल पाई? जानकारी तो मिली ना, वो बच्चे जब चिल्ला के बाहर आया जब भाग गया, फिर उसके बाद में उसको रोका, उसको रोका क्या, उसको बच्चों को बाहर निकाला, कुंडी लगा दिया अंदर। अब हम चिल्ला रहे बाहर से, हम बाहर से तो मैं बुढ़ा आदमी हूँ, दरवाजा तोड़ नहीं सकता, चिल्लाते चिल्लाते उसको मार। क्या कहेंगे इस घटना को? मैं तो कहता हूँ ये बहुत खतरनाक घटना है, ऐसी किसी के साथ में नहीं हो, पर जो जिसने ये किया है मेरा लड़का ही है सारा, वो जिंदगी भर जेल में सबक पड़ेगा। आपका शुभ नाम? सेंट्रल जेल में व्हाट्सएप कॉलिंग से संपर्क करता था पूरा गिरोह, पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकवर करने की कर रही है कोशिश। सेंट्रल जेल में कैदियों से सुविधा शुल्क वसूल करने वाले गिरोह का नेटवर्क मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉलिंग और फेसबुक से जुड़ा हुआ था। एसीबी ने आरोपी से बरामद मोबाइल फोन सेट और सिम की कॉल डिटेल्स की जांच की और उनसे जुड़े लोगों को चयनित कर जांच के घेरे में लिया है। अधिकारी एडिशनल एसपी मदनदान सिंह के अनुसार गिरोह के लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए आपस में लेनदेन की बातचीत और मैसेज का आदान प्रदान करते थे। आशंका है कि आरोपियों ने ये मैसेज डिलीट कर दिए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप की कॉल डिटेल्स की सामान्य तकनीक से प्राप्त नहीं की जा सकती है। एसीबी ने बरामद 14 मोबाइल फोन के क्लोनिंग के लिए आज एफएसएल टीम को भेजा है। पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। जेल में जेल कर्मियों की मिलीभगत और जेल प्रशासन की जो मिलीभगत के आधार पर जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज है उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज को रिकवर करके उनका डिटेल में विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें एफएसएल की भी मदद ली जा रही है और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है और इनके विश्लेषण के आधार पर जो भी अनुसंधान। सर, व्हाट्सएप कॉलिंग का भी अब सामने आने लगा है कि व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए भी संपर्क साधा जाता था, तो ज़्यादातर इसमें जो व्हाट्सएप चैटिंग और कुछ एविडेंसेज डिलीट किया जाना पाया गया है, जिसको बहुत जल्दी तकनीकी शाखा से और एफएसएल से रिकवर करवाया। सर, जेल के अंदर 14 आतंकी हैं, उसमें एक सबसे बड़ा खुफिया अपराधी है कि डॉक्टर बॉम, उनको भी पास मोबाइल मिले थे पहले, तो क्या उससे भी तार कुछ जुड़े हुए हैं, मोबाइल वाले मुहैया कराएंगे? ये अभी ये जो मैटर है इस प्रकरण से रिलेटेड नहीं है, ये संबंधित थाना
कि इसकी जांच कर रहा है और हमारे पास जो अनुसंधान के दौरान जो 14 मोबाइल मिले उनकी हम डिटेल ले रहे हैं और इसके आधार पर जो भी अनुसंधान। अजमेर में निगम द्वारा तैयार करवाए गए हैं मॉडर्न टॉयलेट। एस्केप चैनल के नाले को भी करवाया गया कवर। अजमेर नगर निगम द्वारा अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। निगम द्वारा सुभाष उद्यान का जीर्णोद्धार तो हो चुका है, उसके बाद अब सुभाष उद्यान के दोनों गेटों की ओर मॉडर्न टॉयलेट्स भी बनवाए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए अजमेर मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि मॉडर्न टॉयलेट सुभाष उद्यान के दोनों तरफ बनाए गए हैं। इसके अंदर 4 महिलाओं के लिए और 4 पुरुषों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं। इसके साथ इसके अंदर ATM मशीन और बेबी फीडिंग के लिए भी जगह की गई है। हम शहर को सुंदर बनाने के तरफ इस ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत उसको हमने ध्यान में रखा, तो सुभाष उद्यान के दोनों गेटों पे हमने हाई टेक्निक से ये चीज़ को तैयार करा रहे हैं। जो टॉयलेट्स ब्लॉक है जिसमें 4 लेडीज़ के हैं, 4 जेंट्स के हैं, इसमें मदर फीडिंग का भी हमने एक स्थान रखा है। कोई बच्चे को दूध वूध पिलाना हो तो इसके हिसाब से भी है। विकलांग के लिए भी हमने चीज़ रखी है और निश्चित रूप से इसके अंदर ATM भी रहेगा, वेटिंग हॉल भी इस प्रकार से रहने वाला है। इसी प्रकार से 2 जो ये इस गेट पर बन रहे हैं, ठीक इसी पद्धति का चंद्रवरदा स्टेडियम पे भी हमने इसका बनाया है। इस प्रकार से 3 तो ये लगभग 40-40 लाख रुपए की लागत के 3 निर्माण वहाँ पे हो रहे हैं और 2 निर्माण हमने यहाँ पर, एक तो कलेक्ट्री कैंपस के अंदर और एक ये जो विजयलक्ष्मी पार्क का गेट है बाहर जिसमें JLN के लोग बाग जो आते हैं इनके लिए भी हमने यहाँ पर तैयार किया है। दोनों 28-28 लाख रुपए की लागत के हैं। इसमें भी ये AC है, वातानुकूलित है और यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स और ATM और वाटर कूलर, इन सारी की सुविधाएँ हमने इस प्रकार की दी है। और इसकी ये व्यवस्था भी ध्यान में रखी है कि जो ठेकेदार इसका निर्माण कर रहा है, जो उसको बना रहा है, इसी को हमने मेंटेनेंस और साफ़ सफाई का भी काम इसमें दिया है। तो पे एंड यूज के आधार पे ये चलेंगे तो इसमें पैसे देकर जो भी कुछ करेगा तो साफ सफाई भी रहेगी और चीज़ रहेगी। इसके अलावा एस्केप चैनल के नाले को भी निगम द्वारा कवर किया गया जिसमें 60 लाख की लागत आई है, जिसकी वजह से एक लंबा चौड़ा रोड भी बन चुका है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के बाद सर्किल का भी कार्य अधिकतर पूरा हो चुका है। हाँ भाई साहब, आज किस तरह से ये जो एस्केप चैनल का एक पार्ट था जो नाला हमारे को देखने में मिलता था कि गंदा सा है और केवल ये बरसात में जब चद्दर चलती है या जो आला सागर का ओवर फ्लो है इसके कारण ही नाला चलता था उसके, और बाकी नहीं तो 12 महीने गंदगी का सबब रहता था। उसको हमने कवर करने का किया है, तो कवर करके 60 लाख रुपए की लागत से ये कवर करने का काम किया है और इसको कवर करने के समय में इस गुणवत्ता का ध्यान रखा है कि इस पर हेवी से हेवी ट्रैफिक भी निकल सकता है। तो आने वाले समय में जो इस रोड पे एक बॉटल नेक बनती है वो बॉटल नेक ख़त्म होगी और ये लगभग जो आज इसको अगर रोड को आप कहोगे 40 फुट से लगभग 100 फुट के करीब ये रोड हमारे को खुला खुला एक। संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थी ने कॉलेज के टीचर पर प्राइवेट ट्यूशन देने का लगाया आरोप। टीचर कॉलेज टाइमिंग में 7-8 बच्चों को देती है प्राइवेट ट्यूशन। आज संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थी द्वारा कॉलेज की टीचर अलका शर्मा पर कॉलेज में प्राइवेट ट्यूशन देने का आरोप लगाया गया है। युवक ने बताया कि टीचर अलका शर्मा जो कि अंग्रेजी की टीचर है, वह कॉलेज में कॉलेज टाइमिंग के दौरान 7-8 बच्चों को कॉलेज में प्राइवेट ट्यूशन देती है। छात्र का यह भी कहना है कि टीचर विद्यार्थियों से फीस भी वसूलती है। जब इसकी सूचना प्रधानाचार्य को प्राप्त हुई तो टीचर और प्रधानाचार्य के बीच महासंग्राम हो गया। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात की तो उन्होंने इस बात से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि मुझे इस तरह की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई और प्रधानाचार्य ने कॉलेज के छात्र द्वारा लगाए गए आरोप को पूरी तरह नकार दिया। अंग्रेजी विषय के अंतर्गत एक हमारी अलका मैडम जी है जो कि विद्यालय महाविद्यालय के समय में वो अपने प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ा रही हैं और उसके अंदर वह बच्चों के द्वारा फीस भी ले रही हैं, लेकिन अब हमारे महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी उन्होंने उसका विरोध करा तो इन दोनों में लेके महासंघर्ष हो गया। बस यहाँ तक गनीमत मानी जा सकती है कि हाथापाई नहीं हुई, लेकिन वार्तालाप के रूप में काफ़ी यहाँ पे कटुवचन का प्रयोग करा गया है एवं छात्र छात्रा तो पहले से ही अपने बहिष्कार कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। बस निवेदन यह है कि यदि इसी प्रकार अगर महाविद्यालय का सत्र चलता रहा कि जिसके अंतर्गत सभी स्टाफजन आपस में लड़ रहे हैं तो छात्र छात्राओं की उन्नति का किसी भी हाल में सवाल नहीं उठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कक्षा का बहिष्कार तो मूल रूप से नूतन भवन में शिफ्ट स्थानांतरण होने के लिए तो चल ही रहा है, लेकिन वर्तमान में स्थिति अब सभी के समक्ष है कि पुराने भवन की एक तो दशा जो है वो जर्जर हो रखी है और दूसरी चीज़ की अब जो वर्तमान में जो टीचर्स हैं वो भी इसी प्रकार से लड़ रहे हैं। करीबन कितने बच्चों को ये बाहर से जो आते थे वो उनको पढ़ाते थे? मैडम करीबन 7-8 बच्चों की संख्या मानी जा सकती है। ये अपने आंग्ल भाषा के यानी कि अंग्रेजी के हैं। हाँ जी, कितने टाइम से पढ़ा रही हैं? करीबन 15-20 दिन हो गए हैं और कल महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी उनको यह बात पता पड़ गई थी,
तो इसके अंतर्गत ये सारी वार्तालाप। तो ये स्कूल जो कॉलेज टाइम है उसी टाइमिंग के बीच में, हाँ उसी के अंतर्गत यह पढ़ाती है, और जिसके अंदर से मेन जो कक्षा का जो समय होता है वो एक घंटे का एक लेक्चर का होता है, परंतु वह सवा एक घंटा पौने दो घंटे इसी प्रकार से पढ़ाई जा रही है। आपका नाम? हाँ सर, अभी जो बैच चल रही है हम लोगों को बस तो हमारे स्टाफ का है, प्रभार से संबंधित है। प्रभार मिल रही है कि कोई टीचर प्राइवेट स्कूल प्राइवेट बच्चों को यहाँ पर लाकर कोचिंग देती है? नहीं प्राइवेट नहीं, कोई ट्यूशन नहीं था, कोई कुछ नहीं। यहाँ बच्चे कोई जैसे कि हमारे संस्कृत के जो भी प्रेमी होते हैं संस्कृत अध्ययन करने के लिए, चूँकि हमारे यहाँ के अलावा और कोई संस्कृत मीडियम का कोई है नहीं, तो कोई इंटरेस्टेड होता है तो उसको पूछने के लिए समझने के लिए यहाँ हमने रास्ता दे रखा है। हमारे टीचर्स जो भी हैं एक्स्ट्रा टाइम में जैसे वो अपना चाहें तो उनको समझा सकते हैं। कोई बच्चा इंटरेस्टेड है संस्कृत में तो, क्योंकि संस्कृत मीडियम से कोई यहाँ पर पढ़ाने वाला नहीं है पूरे अपने अजमेर जिले में, समझाने के लिए बुलाया केवल संस्कृत, अन्य सब्जेक्टों को अन्य सब्जेक्ट अंग्रेजी विषय की नहीं टीचर बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई बात नहीं है ऐसी। अंग्रेजी विषय की टीचर बताई जा रही है जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये हमें पता नहीं, शर्मा नाम है मैडम, नहीं हमें नहीं पता है, ये कौन बताया आपको हमें नहीं पता, और जो बताया उसके आधार पर आप कर सकते हैं, हमें नहीं पता। आपके पास कोई जानकारी? नहीं नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो संस्कृत वाले आते हैं, जैसे कोई 70 साल का 60 साल का ही वृद्ध आते हैं जो मनुस्मृति में ये श्लोक है इसका अर्थ क्या होगा, कोई आता है ये कहने के लिए देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हाँ जो भी, तो नहीं वही संस्कृत से संबंधित है, तो हमारे पास जो सूचना है जैसे हम करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो बात है नहीं, वो मैं बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, यदि बात होती तो कहता। जनन अस्पताल के बाहर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक कौकी सरी से पीट हुए फरार, घायल युवक को उपचार के लिए लाया गया जेएलएन अस्पताल। अजमेर के जनन अस्पताल के नजदीक परिजन की डिलीवरी के सिलसिले में आए रवि नायक व उसके साथी को किशनगढ़ के रहने वाले सोजी राम व सुरेश सहित अन्य बदमाशों ने बुरी तरह मारपीट की और उन्हें अधमरा कर वहां से फरार हो गए। ये पूरा मारपीट का वीडियो वहीं पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें सोजी राम व सुरेश के साथी डंडे और सरियों से रवि नायक व उसके साथी पर जमकर वार कर रहे हैं और उसकी गाड़ी के साथ भी भयंकर तोड़फोड़ की गई। इस मामले की जानकारी किशनगढ़ थाना पुलिस को मिली, पुलिस ने घायल रवि नायक व उसके साथी को जेल अस्पताल के इलाज के लिए भिजवाया है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने बताया कि मामला आपसी रंजिश का है, जिसे लेकर किशनगढ़ में दोनों के बीच पहले से ही 3 मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। कौन किसने मारपीट की, क्यों की? एक तो सुरेश डबली था, एक राजीव बोकर था, एक सोराम चेची था और एक काड़ू चेची था, एक सुंदर चेची, एक गुजरों के थे सर, मैं बैठा था, बैठे बैठे आगे हमला करती हूँ। कारण पहले का ये भाई की होगी, ए भाई होगी, ये पहली भी कोई कार्रवाई नहीं की, फिर कहते हैं केस वापस ले लो और ना दोनों भाई के टांगड़े आगड़े तोड़ देंगे, पहले मेरे भाई का टांगड़ा तोड़ दिया। एसपी का एफआईआर दे दी 3 बार, डिप्टी के दे दी, किशनगढ़ थाना में 3-3 दे दी, रात का 12 बजे 1-1 बजे 20-20 जना, अब मेरी बहू का डिलीवरी हुई है जनाना में, मैं गाड़ी ले रहा है बिना लेबा ने 25 जना का, तो 4-5 पिस्तौल और हो क्या और सरिया, मेरा बच्चा ने गाड़ी के अंदर बैठा ने मार दिया, गला में 2.5 तोला की चेन नहीं है, बती जो है जो आज ही फेर रहे हो और 15,000 रुपया फोन हो, मैं भी ले गया और पब्लिक जो बटा है मैंने सबने पूछ लिया जा कौन मारे, जहाँ का नाम बताया ना किशनगढ़ का दादा, कौन क्या क्या नाम है, कारण कही? अरे कारण मैं क्यों ना भंडारा करा, माँ के ऐसे एसडी को मुकदमो झाड़ रही है, अब मैं कह रहे ऐसे स्त्री को मुकदमो उठाओ नहीं तारा सब बेटा का टांगड़ा तोड़ा। इससे पहले भी मार्केट थी? आज चौथी बार है, 3 बार तो घर बैठा बैंक गया, एक ही बड़ो बैठो है चमन नाइक भी का टांगड़ा तोड़ गया, भीलवाड़ा पोरवाड़ में राड़ा घरार ले हूँ और अभी से छोटो जो आज भी कोई भी कार्रवाई, मर गया पुलिस सब दारुआ पीवे और मांस रोटियां खावा होटला में जाजार के साथ, पूरा थानो बिक्योड़ो है पूरा थानो। तक बेटा को नाम कही जी को मारी आज जी को नाम बाबू नायक भी पहली टांगड़ा तोड़ा जी को चमन नायक बिना आज 6 महीना गया सर, अत्तो भ्रष्टाचार हो रही है, थाना पुलिस बिक गया तो अब हम उठाएंगे तलवार और घर घर में जाके मारेंगे। किशनगढ़ में हुए धर्म परिवर्तन को लेकर शिवसेना ने जताया विरोध, ईसाई समुदाय पर लगाया आरोप, प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज शिवसेना द्वारा कलेक्टर पर धर्म परिवर्तन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, इनका कहना है कि जिस तरह से किशनगढ़ में ईसाई समाज द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है इसका शिवसेना कड़ा विरोध करती है और कलेक्टर से मांग करती है कि इस तरह से शहर में चल रहे धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। मैं ईसाइयों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को लालच देके और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हम उसके सख्त खिलाफ़ हैं और उसका विरोध भी करते हैं
और कुछ कार्यकर्ता जो हमारे उसके विरोध में थे उनके ऊपर प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे लगा के उन्हें फंसाया जा रहा है और ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और अगर प्रशासन को हम शांति रूप से ज्ञापन दे रहे हैं, प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करे और दूसरा जो ये कार्यक्रम चल रहा है ईसाइयों द्वारा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जब भी हम शांति रहेंगे, अन्यथा हम रोडे जाम करके प्रशासन को बताएंगे कि शिवसेना और हिंदू धर्म इतना कमज़ोर नहीं कि उसको भेला फुसला कर उसका परिवर्तन कराया जा सके। आपका नाम बताएं? मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजावत है, जिला प्रमुख अजमेर। को लेकर आज प्रदर्शन किया? हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं जो किशनगढ़ के अंदर जो हमारे धर्म परिवर्तन का वो सिलसिला चल रहा है, 23 तारीख को नाइट में जो लेडीजों के द्वारा संगत का प्रोग्राम रखते हैं और वो उन लोगों को बाल भूसा कर लोगों को पैसों का लालच देते हैं, ये वो लोग वो पैसों का लालच देकर उन गरीब लोगों को हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और किशनगढ़ नहीं, अजमेर जिले के अंदर हर जगह मसूदा है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, आसपास में हर जगह ये प्रोग्राम होता है, हर महीने में 2-3 बार प्रोग्राम होता रहता है और ये लोग हमारे हिंदू भाइयों को पैसों का लालच देके उन लोगों को सबको ये ऐसे ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म हर चीज़ का अलग अलग। हमारे हिंदू भाइयों में सबसे बड़ी कमी यही है कि अपन सब जातियों में बंटे हुए हैं, इसके वजह से हम लोग कमज़ोर रह रहे हैं और आने वाले टाइम में ये लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हमारे समाज को हिंदुओं को बहुत बड़ा खतरा हुआ है, इसलिए हम इनको सबको विरोध कर रहे हैं और आने वाला टाइम में अभी किशनगढ़ बंद कराएंगे, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरा अजमेर जिला बंद कराएंगे। रोडवेज जोनल मैनेजर राजेंद्र चौधरी ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण, बस स्टैंड पर लगे नए कैमरों को भी देखा, यात्रियों को किसी तरह की न हो परेशानी उसके लिए हर महीने किया जाता है निरीक्षण। आज रोडवेज के जोनल मैनेजर राजेंद्र चौधरी अजमेर पहुंचे जिन्होंने अपनी टीम के साथ बस स्टैंड का निरीक्षण किया। राजेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हर तरह की जांच की गई है, चाहे वे कैमरे हो, टिकट रूम हो या फिर बस स्टैंड पर लगने वाली दुकानें, आज सभी चीजों का निरीक्षण बस स्टैंड पर किया गया है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर हर महीने ये निरीक्षण किया जाता है। रोडवेज का निरीक्षण हम हर महीने हमको करना पड़ता है, आज भी हम निरीक्षण करने आए हैं मुख्य प्रबंधक साहब के साथ में और खास तौर से यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी सुविधाएं जो पहले नहीं थी वो अभी इन्होंने पूरी कर दी हैं और सफाई भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और प्लस यहाँ पे जो लपके और घूमते थे भीख मांगने वाले वो यहाँ कोई भी नहीं, सबको बाहर कर दिया, उनके लिए 2 स्पेशल आदमी लगाए गए और पुलिस की भी मदद ली जा रही है। ये हमारे MD में वो प्रशासन का सरकार का मामला है और हमारे जो MD मैम है वो इसमें काफ़ी प्रयास कर रही हैं, ये जल्दी इससे निजात मिल जाएगी। आय बढ़ाने के लिए भी हम सभी कर्मचारियों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे प्रबंधन निदेशक महोदय की तरफ से एक भागीरथ योजना भी चलाई गई है जिसमें सभी को मोटिवेट किया है, रोड पे कोई भी यात्री को नहीं छोड़ेंगे तो यात्री बढ़ाएँ अपने और कोई भी सबके टिकट बना के यात्रा करवाएँ और जितने भी हमारे यात्री हैं उनसे बड़ा मधुर व्यवहार करें और अपनी तरफ उनको आकर्षित करें। बजट के अंदर ये सरकारी मामला है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, ये हमारा प्रशासन उच्च लेवल का है, उसके लिए भी प्रयास है जल्दी आने की संभावना। स्मार्ट कार्ड रिन्यू हो रहे हैं, बन रहे हैं, अलग से रूम बना रखा है 8 साल महीने के हिसाब से और किसी भी यात्री को बुजुर्ग को कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए भी हमने वहाँ पे एक बंदा लगा रखा है रोडवेज का जो उनकी हेल्प करता है। खाने में भी मुख्य प्रबंधक साहब से चर्चा की थी जो इनको ढक्के रखें और कोई भी एक्सपायरी डेट हो उसको तुरंत हटवा दें और इनको लिखित में भी नोटिस दें इस तरह की कोई भी खराब चीज खाद्य पदार्थ उनको अच्छे से अच्छा दें पब्लिक को जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं। आज हमने खामियां भी ऐसी कोई ज़्यादा मिली नहीं क्योंकि हमने आज इतने कैमरे लगवाए हैं वो देखने आए थे, मुझे साहब ने 8 ऐसे कैमरे लगवाए हैं यहाँ पे, जो भी अवांछनीय गतिविधि हो तुरंत पुलिस के माध्यम से और हमारे माध्यम से हम उनकी कार्रवाई कर सके। दूसरा इन्होंने 40 TV लगवाए हैं जो यात्रियों के मनोरंजन के लिए और उनके अच्छा लगे उनको, इसलिए वही प्राइवेट एजेंसी से लगवा दिए गए। स्ट्रीट लाइट से बिजली चोरी करने वाले घर पर निगम ने की कार्रवाई, शास्त्री नगर लक्ष्मी नयन स्थित एक घर पर निगम ने की कार्रवाई। बिजली विभाग द्वारा निगम को सूचित किया गया था कि शास्त्री नगर लक्ष्मी नयन स्थित इंद्रनाथ माथुर के मकान पर स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक DP लगाकर बिजली चोरी की जा रही है, जिसको लेकर आज निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता व अन्य निगम के अधिकारियों के साथ इस मकान पर कार्रवाई की गई और उन्हें पाबंद किया गया कि अगर फिर से इस तरह की कोई कृत्य सामने आया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। हमारे जो नगर निगम का बिजली शाखा है, बिजली शाखा के विभाग के जो प्रभारी हैं IN,
उनके द्वारा जब हमें मालूम पड़ा कि एक यहाँ लक्ष्मी लेन वाली गली जो शास्त्री नगर है, यहाँ मिस्टर माथुर के मकान में इस तरीके से स्ट्रीट लाइट में से कनेक्शन ले रखा है, ऑन ऑफ का हिसाब से अंदर नीचे डीपी लगा रखी है, तो आज उस टीम के साथ हम पूरे आए, इनको लिखित में पाबंद भी किया, तो इन्हों का ये कहना है कि हमने ऑन ऑफ के लिए लगा रखा, लेकिन इस तरीके से अगर वो कनेक्शन करता है तो इसमें बिजली चोरी की संभावना भी प्रबल रहती है, रात को कर यूज़ करता है तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, तो इनको पाबंद किया गया, दोबारा नहीं लगे, नहीं तो एफ आई आर लॉज की जाएगी और इसको हटाएगा। मकान मालिक का नाम इंद्रनाथ माथुर नाम बताए जी, लाइट से चोरी होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम द्वारा एक स्टेप लिया गया है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट बार में हम आपको चेतावनी देंगे अगर आप चोरी करें, सेकंड टाइम में बिना पूछे अगर औचक निरीक्षण में पाया जाता है कि चोरी की जा रही है तो FIR दर्ज की जाएगी। तो ये एक तरह से एक संदेश है कि आप बिजली चोरी ना करें स्ट्रीट लाइट से, ये पब्लिक सर्विस है, इसे पब्लिक सर्विस ही रहने दें। लाइट का मुंह किस तरफ का रखा है मैडम, क्या स्थिति है? मौके पे स्ट्रीट लाइट से वायर जो है घर के अंदर जा रहा था, वो कुछ भी अभी बता रहे हैं कि यूज़ वो ऑन ऑफ करने के लिए ले रहे हैं, पर ये इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप एक पब्लिक सर्विस, जब सभी बोलते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगाई जाए हमारे घर के बारे में, उसके आप ऑफिस स्ट्रीट लाइट की डायरेक्शन भी घर की तरफ कर रखी थी, तो इस वजह से अभी हमने तार काट दिए हैं, नोटिस भी दे दिया गया है, अगर फिर से ये चीज़ अगर कहीं भी दिखी जाती है तो FIR दर्ज कराई जाए। नोहिन खाना सहायक अभियंता नगर निगम। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com सच के साथ।